एंड इसे 10,000 फीट की हाइट पे प्लेन उड़ रहे होंगे। सन जब तक शाइन करेगा तब तक इट्स ओके। तो ये 13 पासिस हैं वर्ल्ड के सबसे ऊंचे, जिनमें से 7 प्रोजेक्ट हिमांग के अंडर आते हैं। जो सबसे ऊंचा पास है इस टाइम वर्ल्ड का, दैट्स उमलिंगला पास, जिस पे हम अभी खड़े हैं, विच इज़ 19,024 फीट। ये वर्ल्ड का हाईएस्ट मोटरेबल पास है एंड इट इज़ सर्टिफाइड बाय गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स। इसकी हाइट है 19,024 फीट। तो BRO ने इसे कंप्लीट किया, विच इज बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। कैसा फील होता है इन जगहों पे? तो मुझे यहाँ पहुंचे हुए हो चुके हैं लगभग 2.5 घंटे। तो ये बोला जाता है और ये सच है कि अगर आपको इस तरह की हाइट्स की आदत नहीं है तो आपको 10-15 मिनट से ज़्यादा नहीं रुकना चाहिए यहाँ पे। तो आपको अगर पता हो तो पैसेंजर फ्लाइट्स जो होती हैं वो 30,000 से 40,000 फीट की हाइट पे उड़ती हैं। दिस इज़ एट 19,000 सॉर्ट ऑफ 20,000 एंड इसे 10,000 फीट की हाइट पे प्लेन उड़ रहे होंगे। पासिस की एक पहचान होती है, वहाँ पे ये फ्लैग्स लहरा रहे होते हैं और हवा बहुत तेज़ चलती है इन जगहों पे। और इस टाइम पे इट्स 1:50 PM इन द आफ्टरनून और उसके बाद भी आप अच्छी खासी जैकेट वगैरह पहन के इन जगहों पे ठंड महसूस करोगे। और सूरज छुपने के बाद तो आई मीन इट्स अनइमेजिनेबल। सन जब तक शाइन करेगा तब तक इट्स ओके, सन जब शाइन नहीं करेगा इट्स वेरी वेरी कोल्ड। मे बी गाड़ी हमें स्टार्ट ना हो डीजल वाली, ऐसा भी हो सकता है। अब चेक करते हैं मेरे वाइटल स्टैट्स। तो मैं वॉक कर रहा हूँ, जब मैं रेस्ट पे था व्हेन आई वाज रेस्टिंग इन द कार आई वाज अराउंड 80-90 BPM। अभी मैं 115 BPM कर रहा हूँ। और अगर हम यहाँ पे थोड़ा सा भाग के देखें तो लेट्स सी क्या होता है। फॉर योर इन्फॉर्मेशन, मैं काफ़ी रेगुलर हूँ हिमालयाज में, तो मे बी मेरी बॉडी उस तरह रिएक्ट ना करे। और मैं थोड़ा टाइम भी स्पेंड करता हूँ तो एक्लिमेटाइज भी हो जाती है बॉडी। बट यू कैन स्टिल नेवर बी श्योर कि आपके साथ कुछ ऐसा ना हो जो आपकी जान ले ले यहाँ पे। तो थोड़ा सा भागते ही 120 के ऊपर चली गई है हार्टबीट मेरी। तो अगर आपको इन जगहों की आदत ना हो तो यहाँ पे ज़्यादा उछल कूद ना करें, कोशिश करें पानी पीते रहें थोड़ा थोड़ा और सांसों को थोड़ा कंट्रोल में रखें। तो एक चीज़ तो श्योर है, यहाँ पे खड़ा हुआ जा सकता है सिर्फ व्हेन सन इज शाइनिंग ऑन आवर हेड, अदरवाइज नो वे। अब हम चलते हैं डैम चौक की तरफ। ये हमारा लास्ट विलेज इस तरफ 27 किलोमीटर्स दिखा रहा है, बट वो घूम घूम के जाना है तो इसलिए लग रहा है आपको कि दूर है। बट जो सामने पहाड़ दिखाई दे रहे हैं, ये जो रेड पहाड़ है इसके पीछे, इट्स चाइना नाव। तो पहले इन जगहों पे एक्सेस नहीं थी सिविलियंस को, बट अभी लोग आने लगे हैं। कई रीज़न है इस चीज़ के, एक तो लोकल्स की सस्टेनेबिलिटी बढ़ती है, उसके साथ में अपना देश देखने को मिलता है लोगों को और उनको ये पता लगता है कि आर्मी की लाइफ कितनी टफ है और रिस्पेक्ट और ज़्यादा बढ़ती है उनकी तरफ। तो नीचे इंडस रिवर मिलेगी हमको, शायद उसके आगे हमें नहीं जाने दिया जाएगा। सॉर्ट ऑफ 10 किलोमीटर्स
ये आ गया सामने वो सेक्शन जो ये आगे सामने रेड वाला पहाड़ दिख रहा है, इसके पीछे जो पहाड़ दिख रहा है वो चाइना में है, लेफ्ट में इंडिया और इधर अभी ये इंडिया ही है। तो नीचे घूम घूम के हम जब तक जाएंगे वहाँ पे काफ़ी किलोमीटर्स हो चुके होंगे। वैसे एरियल व्यू जब तक नहीं आता तब तक तो समझ तो आता नहीं है वैसे कुछ खास। एक चीज़ तो क्लियर है यार, इस ग्रिल की जो जाली में होल्स हैं वो मेरे ख्याल से छोटे हैं, और क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा लोड है गाड़ी पे तो टेम्परेचर बढ़ रहा है गाड़ी का। ओवर हीट तो नहीं हुई है बट मतलब टेम्परेचर बढ़ रहा है। ये देखो थोड़ा सा हाई है, एक बड़ा सही से कैलिब्रेशन ही होता है, उससे ज़्यादा कुछ होता नहीं गाड़ियों में। तो अभी मेरे ख्याल से इसको हवा नहीं मिल रही होगी उतनी इंजन को या रेडिएटर को, तो ये थोड़ा सा मुझे बार बार टेम्परेचर ज़्यादा दिखाई दे रहा है यहाँ पे। भाई कल्प्रिट मैंने ढूंढ लिया है, ये हमें इस जाली का या तो ये मेटल निकालना पड़ेगा क्योंकि जो स्टॉक है वो यहाँ से नीचे तक है और उसके अंदर जो जाली है वो बड़ी है तो ये नहीं चलेगी। इसका हमें कुछ करना पड़ेगा, गाड़ी को कूलिंग नहीं हो पा रही है गाड़ी की, तो हमें जाली निकालनी पड़ेगी किसी तरह से। जाली निकालने के बाद उससे भी कहीं फास्ट में अभी ड्राइव करके आया हूँ, ये जाली ही कल्प्रिट थी। नो आफ्टर मार्केट ग्रिल्स फॉर मी फ्रॉम नाउ। नॉर्मल सिनेरियो में मे बी वो झेल जाए बट डेजर्ट ड्राइव में कूलेंट फेंक चुकी होती गाड़ी अब तक। मैं अब फ्रंट से गाड़ी थोड़ी सी अजीब लग रही है क्योंकि मुझे आदत है इस ग्रिल देखने की, तो अंदर से रेडिएटर और कंडेंसर दिखाई दे रहा है। हम लोग अभी हुमलिंगला हैं, टेस्ट ड्राइव के बाद आए, सो अब इवन मैं बहुत हार्ड ड्राइव करके आया उन्हीं हाइट्स पे, तो अब की बार हीटिंग इशू नहीं था, लाइक टेम्परेचर इंक्रीज़ नहीं हो रहा था गाड़ी का। तो हम हैं अभी हुमलिंगला, द वर्ल्ड्स हाईएस्ट मोटरेबल पास, 19,024 फीट, और सनसेट होने ही वाला है विद इन 45 मिनट्स और 30 मिनट्स। हम लोग हैं उसकी पार्किंग में इस टाइम पे,